खूबसूरत कड़े, ये डिजाइनर के है ना? नहीं खानदानी है, दादी जान ने बिछवाए। अच्छा, मैं पहन के बताती हूँ, आप मुझे बताएगा कैसे लग रहे हैं। नहीं सारा, एक्चुअली ये वाले आपके लिए नहीं है। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं एशियन बैंक लिमिटेड से आयशा बात कर रही हूँ। आप मिसेस मुताहिर बात कर रही हैं? जी जी मैडम, आपको मुतल्लक किया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट गुज़िश्ता रोज मुकम्मल हो चुकी है। आपके अकाउंट से आपकी इजाज़त के मुताबिक हमने रकम ट्रांसफर कर ली है। क्या आप आइंदा भी हमारी सर्विस लेना चाहेंगी? जी जरूर। ठीक है मैडम, आपकी सर्विस रिन्यू की जा रही है, बराए मेहरबानी होल्ड कीजिएगा प्लीज। आप दोनों एक दूसरे को बैठ के भी देख सकते हैं, तो बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए प्लीज। अब आप चाय पीजिए और बताइए कि चाय कैसी बनी है। अरे वाह, बड़ी जबरदस्त चाय बनाई है आपने। जी शुक्रिया। आपको पता है चाय से भी ज्यादा अच्छा बच्चों क्या बनाती है? कबाब। आप खाएंगे? अगर ये अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगी तो मैं जरूर खाऊंगा। इंतजार के लिए मौजूद ख्वाह हूँ मैडम, आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक आपकी सर्विस 24 घंटे के अंदर बहाल कर दी जाएगी। ओ अच्छा, एक्चुअली मैंने आज सुबह ही एक ट्रांसैक्शन की है, मगर उसकी मुझे कंफर्मेशन का कोई मैसेज नहीं मिला। काइंडली आप चेक करके बताएं कि क्या वो आपके रिकॉर्ड में मौजूद है। प्लीज वेट कीजिएगा, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। बच्चे जल्दी करो, जल्दी से। नहीं नहीं प्लीज इन्हें थोड़ी देर के लिए यहीं बैठा रहने दें, एक्चुअली मुझे इनसे कुछ पूछना है। अच्छा बच्चो, जाना मत, इनको कुछ पूछना है तुमसे, पूछिए। जी पूछिए। जी नहीं मैडम सॉरी, आज आपके अकाउंट से कोई ट्रांसैक्शन नहीं हुई है। क्या? मगर मैंने तो आज सुबह ही शॉपिंग की है। हमारे रिकॉर्ड्स में इस तरह की कोई एंट्री नहीं है। आप सर्विस के मुतालिक कोई और मालूमात जानना चाहेंगी? नो थैंक्स, अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्या हॉबीज हैं आपकी? बच्चों ना बहुत सोशल हैं, जहाँ जाती हैं ढेरों फ्रेंड्स बना लेती हैं, फिर दोस्तों का आना जाना, पार्टी शार्टी तो घर में लगी रहती है। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। और हाँ पता है, बच्चों को शॉपिंग पे जाना बहुत पसंद है। Really? शॉपिंग करना तो मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी शॉपिंग पे जाना बहुत पसंद है, दिल करता है हर वक्त शॉपिंग करती रहूं। इसके अलावा और क्या क्या करती हैं आप? जी मैं बच्चों को ना मूवीज का भी बहुत शौक है, बहुत मूवीज देखती हैं ये। अच्छा कौन सी मूवीज? शारम भाई। नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अब डिशुम डिशुम वाली मूवीज तो पसंद होंगी नहीं, रोमांटिक मूवीज पसंद है इनको। मैं बताऊं कौन सी? वो वाली जो। जी मैं कबाब लेके आती हूँ। हाँ हाँ कबाब लेके आओ, और मेरे लिए स्पाइसी वाले। ठीक है, और बताइए क्या पसंद है आपको? जी सब कुछ।
क्या हो गया सारा को? क्यों मेरे बारे में उनसे ऐसी बातें कर रही है? सब गलत, सब झूठ। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। जब उनको सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो नहीं, उनके अहंकार को कितनी ठेस पहुंचेगी। मुझे उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहिए, सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कैसे बताऊं मैं उन्हें कि सब कुछ झूठ है? सईदा बेटा। जी अम्मी जान। बेटा ये साथ अभी तक नहीं आया? हाँ इस टाइम तक तो दोनों आ जाते हैं, मेरा ख्याल है किसी काम में मसरूफ हो गए होंगे। क्या बात है अम्मी जान, आप हंस क्यों रही हैं? साथ के तो काम का मुझे पता नहीं, लेकिन शारिन के काम का मुझे पता है। क्या मतलब? पता है वो अपने होने वाले ससुराल गया है खानदानी कंगन देने। अम्मी जान इस तरह शारिम को वहां भेजना क्या मुनासिब होगा? अरे नहीं, मगर वो कह रहा था कि मैं खाला जान को साथ लेकर जाऊंगा। ओ अच्छा, तो खूब समझी मैं उसकी शरारतों को। आने दे जरा साहबजादे को आ जा। शारिम बेटा तुम? जी खाला, मैं आप ही की तरफ आ रहा था, वो दादी जान ने कंगन भिजवाए थे ना, इसलिए।